दोस्तों, आप लोग का एसडीटेक में स्वागत है। आज मैं आप लोग को हिंदी का, लोक भारती का पूरा, आप लोग का इंग्लिश मीडियम का जो आप लोग का पेपर होने वाला मंडे को, उसका पूरा आप लोग का पैटर्न बताऊंगा। किस तरीके से आप लोग करोगे तो 100% आप लोग का 90+ आएगा। तो मैं आप लोग को बताता हूँ किस तरीके से करोगे। 100 नंबर का आप लोग का पूरा पेपर होता है, 20 नंबर ओरल और 80 नंबर आप लोग का रिटर्न होता है। पूरा आप लोग 90% इसमें कैसे 90+ ला सकते हो, बहुत ईजी है। बस आप लोगों इसको पैटर्न को अच्छी तरीके समझ के आप लोग करना है। देखोगे सबसे पहला क्या होता है, विभाग रहता है। सिंपल सा 80 नंबर का आप लोगों को दिया रहता है पेपर होता है, और इसमें विभाग जो एक रहता है, विभाग एक, उसमें आप लोग देखोगे कृति अंक, कुल अंक कितना है, सब बताता हूँ आप लोग। बस वीडियो को लास्ट तक देखो, 100% बोलता हूँ इसे 90+ आप लोग का आएगा हिंदी में। तो सिंपल सा विभाग एक में गद्य विभाग, गद्य विभाग मतलब सबसे पहला वाला रहता है। इसमें क्या रहता है, प्रश्न पहला अ और आ पठित गद्यांश रहता है। मतलब आप लोग को ये चीज आप लोग के बुक का ही रहता है, बस उसी में से आप लोग सिंपल सा 8 नंबर और 8 नंबर, प्रश्न पहले का अ 8 नंबर का रहता है और प्रश्न पहले का आ, दोनों 8-8 का नंबर का रहता है। इस तरीके से देखोगे आकलन कृति मतलब एक पैराग्राफ दिया रहेगा, उसी के अंदर से आप लोगों को सिंपल सा क्या है, उसी में से आंसर ढूंढ के लिखना रहेगा। इस तरीके से 2 नंबर मिल जाएगा आप लोगों को। उसके बाद आप लोगों को फिर से दूसरा भी इसी तरीके से रहेगा। तीसरा शब्द संपदा मतलब बनाने के लिए आप लोगों को वर्ड आएगा, और उसका अभिव्यक्ति है 2 नंबर के लिए। इस तरीके से आप लोगों का 4 आएगा क्वेश्चन, चारों आप लोगों को सिंपल से इस तरीके से करना रहेगा। उसके नीचे देखोगे प्रश्न पहले का ई अपठित गद्यांश, मतलब ये आप लोगों नहीं, आप लोगों का बुक का नहीं रहेगा, सिंपल सा अलग रहेगा। तो आकलन कृति मतलब उसमें से आप लोग लिखना रहेगा देख के आंसर ढूंढ के, और उसे अभिव्यक्ति है अपने से मतलब बना के लिखना रहेगा, ये आप लोग को 2 नंबर के लिए। इस तरीके से आप लोग का पूरा 8-8 और ये 4 नंबर ई वाला क्वेश्चन अपठित का। इस तरीके से आप लोग का पूरा कितना टोटल जो गद्य विभाग है वो कितना आप लोग को 20 नंबर का पूरा गद्य विभाग आता है। उसके बाद आप लोग देखोगे विभाग जो दूसरा आप लोग का है उसमें पद्य विभाग, पद्य विभाग मतलब पूरा आप लोग का सिंपल सा जो आप लोग का कविता रहता है वो रहता है। मतलब सिंपल से उसमें क्या रहता है, देखो प्रश्न दूसरा आ और आ, मतलब प्रश्न दूसरे का अ और आ दोनों रहता है पठित गद्यांश, मतलब ये आप लोग के बुक का ही रहता है। सिंपल सा एक मध्ययुगीन और एक आधुनिक रचना, मतलब एक मध्ययुगीन मतलब बीच का और एक आधुनिक, आधुनिक मतलब जो न्यू जनरेशन का। तो सिंपल सा इसे आकलन कृति, इसमें भी पैराग्राफ दिया रहेगा, और उसके नीचे शब्द संपदा और सरल अर्थ, मतलब आप लोगों को एक पोएम दिया रहेगा उसका सरल मीनिंग आप लोगों को लिखना रहेगा, उसको हम लोग सरल अर्थ बोलते हैं। सिंपल सा ए आप लोगों का 6-6 नंबर के लिए रहेगा, और आ मतलब 12 नंबर का टोटल आप लोगों का क्या हो जाएगा, पद्य विभाग हो जाएगा 12 नंबर का। उसके बाद आप लोग देखोगे नीचे क्या दिया है, सिंपल सा विभाग तीसरा पूरक पठन, पूरक पठन आप लोगों का 3-4 दिया रहता है, उसमें 2-3 आप लोग कर लोगे 100% आप लोगों का अच्छा नंबर है। इसमें जो पूरक पठन है आप लोग का प्रश्न तीसरा अ और आ, ये पठित गद्यांश रहता है। आकलन कृति इसमें भी आप लोगों का पैराग्राफ दिया रहता है, उसमें से आप लोग लिखना रहता है, और अभिव्यक्ति दिया रहता है 4-4 नंबर के लिए आप लोगों का रहता है। नीचे देखोगे पठित पद्यांश आकलन कृति, आकलन कृति का मीनिंग ही होता है आप लोगों को सिंपल से उसी पैराग्राफ में से आप लोग को ढूंढ के लिखना है। बस इसी तरीके से आप देखोगे इसे अभिव्यक्ति दिया 2 नंबर, ये टोटल मिला के पूरक पठन आप लोग कितने नंबर, 8 नंबर के लिए आता है। उसके बाद देखोगे आप लोग इसमें सिंपल सा बहुत इजी आप लोगों का पेपर आएगा, बस आप लोग समझ लो। बस आप लोगों का विभाग जो रहता है 4, इसमें भाषा अध्ययन व्याकरण रहता है। व्याकरण में पूरा आप लोगों को एक एक डिटो पूरा एक एक सेपरेट वीडियो बना के छोटा छोटा आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। बस आप लोग कल के वीडियो लास्ट तक पूरा अच्छी तरीके से चेक आउट करते रहो एचडीटेक चैनल पे। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पूरा ग्रामर का जो आप लोग का सिंपल से आप लोग का 40 नंबर का ग्रामर रहेगा, तो उसको मैं पूरा टोटल आप लोग को 40 से 40 में देने का कोशिश पूरा 100% मेरा रहेगा आप लोग को। तो सिंपल से किस तरीके से है, कौन कौन सा आता है, सब कुछ ग्रामर आप लोग को कल बताऊंगा। एक एक सेपरेट वीडियो बनेगा, 11 है तो 11 वीडियो बनेगा। इस तरीके से देखोगे इसमें विभाग जो आप लोग का 4 है भाषा अध्ययन व्याकरण, इसमें क्या रहता है, शब्द भेद रहता है 1 नंबर के लिए, अव्यय रहता है 1 नंबर के लिए, संधि रहता है 1 नंबर, सहायक क्रिया रहता है 1 नंबर, प्रेरार्थक क्रिया रहता है 1 नंबर, मुहावरा रहता है 1 नंबर के लिए, कारक रहता है 1 नंबर के लिए, विराम चिन्ह रहता है 1 नंबर के लिए, उसके बाद काल परिवर्तन मतलब दूसरे में ट्रांसफर करने के लिए 2 नंबर के, वाक्य भेद 2 नंबर के लिए, वाक्य शुद्ध करना है 2 नंबर के लिए। ये पूरा आप लोगों में 14 नंबर का 100% में बोलता हूँ ना, कल आप लोग के लिए वीडियो सेपरेट सेपरेट एक एक का आएगा, 1-2 इस तरीके से 14 वीडियो आएगा। सिंपल से 11 इधर है और कुछ नीचे है, उसको भी पूरा आप लोग के लिए सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा। तो आप लोग
बस वीडियो को देखना और उससे कमेंट करना कि जो आप लोगों को चाहिए उस पर कमेंट कर। 100% मैं बोलता हूँ एचडी टेक चैनल पे 100% वो वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा जो आप लोग कमेंट करोगे, जो आप लोगों की मांग रहेगी। अब आता है विभाग पांचवा, रचना विभाग। उपयोजित लेखन भी बोला जाता है और रचना विभाग भी बोला जाता है। प्रश्न पांचवा अ, रचना उपयोजित लेखन, मतलब इसमें सिंपल सा पत्र लेखन दो में से एक, मतलब औपचारिक और अनौपचारिक दोनों पत्र आएगा, आप लोगों को बस एक करना रहेगा। 100% मैं बोलता हूँ आप लोगों को इसे पूरा नंबर मैं दिलाऊंगा, 100% आप लोगों को बोलता हूँ, बस आप लोग वीडियो को देखना। इसके बाद आप लोगों का दूसरा क्या था, गद्य आकलन। गद्य आकलन आप लोगों को सिंपल से दिया रहता है चार नंबर के लिए, इस तरीके से आप लोगों का 9 नंबर हो जाता है आप लोगों का प्रश्न अ से। अब आता है उसमें प्रश्न पांचवे का आ में दो कृतियां पूछी जाएंगे, कोई भी एक हल करना है, मतलब दो कृति आप लोगों से पूछा जाएगा। सपोज मान लो एक वृत्तांत लेखन और एक कहानी लेखन, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा हमेशा कि आप लोग क्या करोगे, वृत्तांत लेखन ही करोगे। कहीं एडवाइस आप लोगों को स्कूल में कोई फंक्शन हुआ रहेगा उसको अच्छी तरीके से आप लोगों को बनाना रहेगा, तो ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा अच्छी तरीके से आप लोगों को बताऊंगा। 5 नंबर कहीं भी छूटेगा नहीं, मैं आप लोगों को गारंटी लेता हूं। 100% आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो बस। उसके बाद आप लोगों को अथवा करके कहानी लेखन, कहानी लेखन आप लोगों को नहीं करना। अब आता है विज्ञापन। विज्ञापन आप लोगों को सिंपल सा 5 नंबर के लिए आएगा, तो मैं उसको भी बताऊंगा आप लोग। विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजिंग, किसी चीज का एडवर्टाइजिंग किस तरीके से करते हैं उसको भी आप लोग को बताऊंगा 5 नंबर के लिए। उसके बाद एक आता है प्रश्न पांचों का ई, आप लोग इसमें क्या रहता है, एक निबंध लिखना रहेगा 7 नंबर के लिए, तो आप लोगों ये भी बताऊंगा किस तरीके से लिखेंगे। पूरा टोटल 26 नंबर प्लस आप लोगों का 14 नंबर इधर, पूरा मिला के आप लोगों का कितना हो जाएगा, 40 नंबर हो जाएगा। मैं 100% आप लोगों को बोलता हूँ 40 नंबर तो मैं कंपलसरी आप लोगों को दिला के ही छोड़ूंगा। तो आप लोग अगर इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे इसी तरीके से नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे, और जितना हो सकता है अपने दोस्तों में शेयर कर दो, जिससे उन सबको पूरे 40 का 40 इसमें का जो ग्रामर के थ्रू आएगा वो पूरा नंबर मिल सके। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बस आप लोगों के लिए बस इतना ही था, तो आप लोग इसको कर लो।